इनको आगे कर दो ना, कभी आगे कर दो ना, आगे इन दोनों को आगे कर दो। इनको आगे कर दो ना, कभी आगे कर दो ना, आगे इन दोनों को आगे कर दो। चार चार बनाते हैं। बराबर है। 2015 से थाना कोतवाली नगर की डकैती में वांछित चल रहे दो सातिर अपराधी नासिर व बंटी निवासी थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद के, इनको कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की गई है। उक्त अभियुक्तगण सातिर किस्म के अपराधी हैं। जनपद फिरोजाबाद से इन पर 20,000 रुपये का पुरस्कार व जनपद एटा से 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित चल रहा था और इनके द्वारा लूट, हत्या, डकैती, नकबजनी की घटनाओं को जनपद फिरोजाबाद और जनपद एटा में अंजाम दिया गया है। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी है और इनके गैंग के काफ़ी सदस्य वर्तमान में जेल में हैं और अन्य साख संकलन की कार्रवाई की जा रही है। सर ये कितने दिनों से वांटेड थे और सर कहाँ किस घटना में थे? सर ये कितने दिनों से वांटेड थे और किस घटना में थे? सर ये कोतवाली नगर में 2015 में इनके द्वारा डकैती की घटना ओम शिवपुरी कॉलोनी में डाली गई थी, जिसमें लाइसेंसी बंदूक और जेवर वगैरह लूटे गए थे। कोतवाली नगर क्षेत्र में ही इनके द्वारा एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी प्रकार से जनपद फिरोजाबाद में भी इनके द्वारा लूट, नकबजनी के जघन्य वारदातों को अंजाम दिया गया है और जिस पर जनपद फिरोजाबाद से भी इन पर वर्तमान में 20,000 रुपए का पुरस्कार घोषित बताया जा रहा है। लगभग कितने मुकदमे हैं सर इन पर? इन पर कुल 16 अभियोग वर्तमान में पंजीकृत हैं। डकैती में लूटा गया जो माल था वो बरामद हुआ है? ये इनके गैंग के सदस्यों से पूर्व में वो माल बरामद किया जा चुका है और वर्तमान में ये 2015 से फरार चल रहे थे। तो सर क्या अपना ये रणनीति के तहत जगह बदलते रहते थे? पहले फिरोजाबाद, फिर एटा, फिर दिल्ली, तो ये बचने के लिए घूम रहे थे? ये बिल्कुल इनका एक बहुत ही प्रोफेशनल टाइप के क्रिमिनल है। पहले ये थाना रामगढ़ क्षेत्र में रहे, फिर उसके बाद यहाँ जनपद एटा में कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत जब वहाँ जनपद फिरोजाबाद से दबाव बढ़ा 2015-16 में, तब ये यहाँ आ गए। यहाँ पर घटना को अंजाम दे के ये फिर इन्होंने दिल्ली में अपना एक ठिकाना बना लिया और इस प्रकार से स्थान बदल बदल कर विभिन्न स्थानों पर अपने को छिपाकर ये रहते रहे। कप्तान साहब ये बताते हैं लगातार ये समय बदलते रहते थे और उसी के, जैसा मैंने बताया कि बहुत सातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके पास 7 तो फर्जी आधार कार्ड मिले हुए हैं। अपने अलग अलग नामों से इन्होंने स्वयं के आधार कार्ड बना रखे हैं और अब यूनियन परिवार के सदस्यों के भी अलग अलग नामों से आधार कार्ड इनके पास पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। तो उन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल ये किस तरीके से करते थे सर? ये फर्जी दस्तावेजों का, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इनको जमानतदार को लेना, जमानत को कराना, अलग अलग नामों से इस प्रकार का प्रयोग करना और आने जाने के लिए आजकल आधार कार्ड की जगह जगह आवश्यकता पड़ती है। उसमें किसी भी प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास उजागर न हो जाए, इसलिए ये बदल बदल के प्रयोग करते थे।